महाराज जी आज तो चुनाव का ना तो कोई तारीख आई है और ना ये पता कब चुनाव होंगे। जब मैं गांव में आया तो मैंने सोचा कि कोई फंक्शन है, क्या कारण है कि बैंड बाजे के साथ ऐसे आदमी का स्वागत हो रहा है जो ना पंच है ना सरपंच है ना खबर पंच है। आदमी खबर पंच भी बहुत तेज होते हैं। खबर पंच इसलिए होते हैं कि अभी चुनाव की तारीख नहीं, कौन टिकट बांटेगा कौन नहीं बांटेगा, पर उनकी जेब में टिकट धरी है। ये खबर पंच आजकल ज्यादा घूम रहे हैं जिनके गांव की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं, गांव में कौन कौन लोग रहते हैं, गांव की क्या क्या समस्या है ये भी जानकारी नहीं, पर बीजेपी को टिकट जेब में है हमारी। इसलिए मैं उम्मीदवार हूंगा नहीं, नहीं ये मुझे पता ही नहीं, क्योंकि टिकट तो इनकी जेब में है। अब इनकी जेब से निकल के नीचे गिरे जब मैं छीना जपने कर सकता हूँ तो टिकट भी तो ये है। इसलिए मेरे बारे में अभी से सोचना, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने एक सच के बात कहने पर मुझे दंडित कर दिया। मैंने कोरोना की जो बीमारी थी तो उस वक्त मरीज बहुत परेशान थे, ना कोई डॉक्टर मिल रहा था, ना कोई एम्बुलेंस मिल रही थी, ना कोई दवाइयां मिल रही थी, अस्पताल में बिस्तर भी नहीं मिल रहे थे। तो एक पार्टी की मीटिंग में मैंने केवल इतना ही कहा, मैंने कहा आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी ने तीन तीन मंत्री बना दिए राजस्थान में, एक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, हजारों लोग मर रहे हैं दुखी हैं, ना तो कोई मंत्री ने अलवर जिले में दौरा किया ना प्रदेश अध्यक्ष ने दौरा किया, और जो मोदी जी ने पैसा भेजा सहायता के लिए, मरीजों की सहायता के लिए कोरोना में बीमारी में एम्बुलेंस दूसरी चीजें दवाइयां, वो कांग्रेस का राज है यहाँ पे। उनके कार्यकर्ता अपने अपने कार्यकर्ताओं में अपने अपने मोहल्लों में उन्होंने बंटवा दिया और बीजेपी के सब लोग भरे गए थे। तो मैंने कोई गुना किया? मैंने कहा कि अगर एक भी नेता केंद्रीय मंत्री या दौरा करता तो ये दुर्भाग्य से हम बच जाते, हमारे कार्यकर्ताओं को हिम्मत बढ़ती, गांव के लोगों को फायदा मिलता और कांग्रेस वाले उन दवाइयों को बेच खाई जेब में धर गए और चंदा उगाते रहे कि दवाइयां लाएंगे, दवाइयों के पैसे तो तुमको दिल्ली से मिले वो तुम सब खा गए। मैंने एसडीओ से पूछा पैसे का हिसाब दो, बोला आप कौन होते हो, हिसाब सरकार मांग लेगी। हमने कहा ये बात भी ठीक है, और मैंने कहा बेटा सुन लो बात, जिस दिन मैं राज में आ गया ना तो तुम्हारे नाक में सूत्रों में डालकर खाया पिया सब निकलवा लेंगे, आप भर लो कितना दिन चौकीदार करने के लिए तो खा रहे हो ना, तो तुम इसका चौकीदार ना साबित कर दो तो मेरा नाम नहीं, तुम्हारी सब की घरों से निकाल निकाल कर रुपया गरीबों को वापस देंगे, सारा पैसा खा के सब निकाल दे। कांग्रेस पार्टी की मैं बुराई नहीं कर रहा, पर ये जो नेता आज जो राजनीति क्या है, आज ऐसी राजनीति हमने कांग्रेस के राज में कभी नहीं देखी जो इस बार जो देखी है। सारे एमएलए चीफ मिनिस्टर सीएम को धृतराष्ट्र बना बैठा है, उसकी आंख पर तो पट्टी बांध रखी है सीएम ने, तो ये राम नाम की लूट है, लूट से को तो लूट, मैं तो मेरी आंख बंद कर रहा कि मेरी कुर्सी बचाए रखो बाकी थक जच्चे से ऐसा कभी देखा नहीं। हम भी एमएलए मिनिस्टर थे, कोई थानेदार अभी गड़बड़ कर रहा है, हम सीएम को कहते थे कि साहब ये थानेदार बहुत गड़बड़ है, काम नहीं करता, इसको हटा दो, तो जांच कराते थे, एसपी से पूछते थे,
और आज सुना थानेदार को एमएलए कहता है 50,000 रुपया पढ़ने कमा रहा है, 25 मेरा 25 तेरा रहना हो तो रहने तो श्याम के बिस्तर को। सब थाने बिक गए, कचहरी बिक गई, एसडीओ कोर्ट कलेक्ट्रेट सारे बिक गए, अवैध सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और कब्जों पर भी कॉलोनी काट रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई माई गला सुनने वाला नहीं। बोले तो उसके खिलाफ झूठे मुकदमे, कितने लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए, कोई सुनाई नहीं, गाड़ी तो नहीं है। हमारे यहाँ तो कोपा भाई का राज है, बात शुरू में था कोपा भाई, यहाँ अंबेडकर का संविधान नहीं है लागू, कि अंबेडकर ने जो कानून बनाए संविधान लागू किया वो संविधान जीरो, अंबेडकर बाबा को तो कह दिया तू तो बैठ ऊपर ही, और यहाँ तो कोपा भाई जो करेगी वो होगा। अब कोपा भाई तो खेच को गया सारा का सारा, 250 करोड़ से ज्यादा पैसा सड़कों में खा गए, तमिलनाडु को आप बताओ 250 करोड़। हमने जो सड़कें बनाई, मैं 10 साल पहले आपका विधायक था, मेरी सड़कों के अवशेष आपके रामन सड़क में बनाए, वो सड़कें आज भी जिंदा है, चाहे वो टूट गई फूट गई, लेकिन इसने जो सड़कें बनाई एक ही बरसात नहीं झेल पाई, सरपट पाट हो गए, सरपट पाट एक महीना नहीं झेल पाई, तो पैसा कहां गया। हम ये कहते हैं मैंने अभी कलेक्टर को कहा, मैंने एक मामले में जिला कलेक्टर को कहा तुम भी भ्रष्ट हो, तो बोला मैं कैसे भ्रष्ट हूं, मेरे पर तुम्हारी ड्यूटी क्या है, मॉनिटरिंग करो। अब ये सड़क है हमारी, ये जो आती है कुशालगढ़ से लगा के नारायणपुर होती हो आगे, 8 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी का सैंक्शन हुआ, भारत सरकार ने सैंक्शन किया, ये रुपया तो भारत सरकार देती है और एजुकेशन राजस्थान सरकार करती है, काम इनको करना पड़ता है। अब इस सड़क में मुश्किल से 2 करोड़ लगे, 6 करोड़ लगाए गए, किस किस का हिस्सा है बताओ। मैं कलेक्टर की जिम्मेवारी है, कलेक्टर आगे जांच क्यों नहीं करता उस कलेक्टर सूट, आप मेरी बात का जवाब दो, इसमें 8 करोड़ का मेटीरियल लागू हुआ था, इसकी जांच कराओ ना। शकुंतला ने भी हिस्सा लिया, इसने हिस्सा है, मैंने शकुंतला बता रही हूँ, एमएलए ने चोरी की इसमें, अगर चोरी नहीं की तो शकुंतला जांच कराए इसकी, पर जांच कराए तो इनकी कौन खुलती है, पर जांच कराने को तैयार नहीं। अब बताओ ऐसी सरकार का क्या कर लोगे, कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, सब भ्रष्ट है, टोटली भ्रष्ट है। जल योजना, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, ग्रामीण सड़कें जितनी भी है सब उखड़ गई हमारे टाइम की, चाहे मैंने बनाई थी या रमा खान जी ने बनाई थी, उसके बाद किसी ने सड़कें नहीं बनाई गाँव में, और वो सड़कें पैसा लगाकर नहीं उखड़ गई, इनका जीर्णोद्धार करो, पर नहीं लगा रहे, किसी ने एक पैसा ही नहीं लगाया, इनके हिस्से का पैसा बता गए और कागजों में दिखा दिया कि इन सड़कों का रिन्यूअल कर रहे हैं। अभी जिन सड़कों का आपको जिक्र किया, मैं अभी आपके सामने पूछूंगा हमारे अधिकारियों से कि 10 साल पूरी हो गई तो वो पैसा कहाँ गया और इन सड़कों की रिपेयर क्यों नहीं होगी। अभी सरकारी पैसा है उसके नियम बने हुए हैं, जिनकी सरकार है।